अरे आज भारी गिरावट देखी जा रही है सोने में, क्या वजह रही सोने के दाम में गिरावट की? क्या सोना और सस्ता होने वाला है? और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना चाहिए? बड़ी खबर आ रही है कि जनवरी में सोने का इंपोर्ट भारत में तकरीबन 3 साल के निचले स्तर पर चला गया है। 32 महीने के निचले स्तर पर सोने का जो आयात है वो चला गया है और हमने जनवरी में ऑलमोस्ट 76% की गिरावट इसमें सालाना आधार पर बनती हुई देखी है। फोकस कर लेते हैं जिसकी कीमतों में हमने देखा है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने के निचले स्तर पर हो रहा है कारोबार, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और चांदी की कीमतें ऑलमोस्ट 1000 रुपए नीचे टाइम कर गई हैं। गुड मॉर्निंग दीपाली। दीपाली, मेरे हिसाब से जो भी यूएसए डेटा निकल के आए हैं आफ्टर एनएसपी रिपोर्ट काफी सरप्राइजिंग था। उसके बाद सीपीआई घटके तो आया लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा बढ़ के आया है। कल का रिटेल सेल्स डेटा अगेन वाज अ शॉकर, 3% के आसपास आया। तो आई थिंक ये जो भी डेटा आए हैं दैट इज जस्ट क्रिएटिंग डाउट इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के माइंड में कि जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो चांस था उस पर एक पॉज लगने वाला था। लेकिन अभी इसके बाद इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड दैट जो यूएस का टर्मिनल रेट है दैट माइट एंड समवेयर अराउंड 5.25% इन जुलाई। तो मेरे हिसाब से वही एक ट्रिगर है जिसके वजह से गोल्ड सिल्वर और इनफैक्ट अदर कमोडिटीज लाइक बेस मेटल्स आर गेटिंग प्रेशर्ड।